इस वीडियो के अंदर हम लोग मालूम करेंगे कि उम्रे के लिए जाते हुए डायरेक्ट एयरलाइन और इनडायरेक्ट एयरलाइन को चूज करने में हमें क्या फर्क मिलता है और हमें कौन सी एयरलाइन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में से उम्रे के लिए जाते हुए चूज करनी चाहिए। देरी के बिना आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बहुत तेज़ी से, जो कि हमारी ऑल अबाउट उम्रा चल रही है, उसके अंदर हम डायरेक्ट एयरलाइन और इनडायरेक्ट एयरलाइन, जिसको हम कनेक्टिंग एयरलाइन कहते हैं, उसका डिफरेंस मालूम करेंगे। डायरेक्ट एयरलाइन का मतलब ये है कि आप की, जैसे आप कराची में रहते हैं तो कराची से डायरेक्ट फ्लाइट फ्लाई करेगी और ले जाके आपको सीधा जद्दा या फिर मदीना में जाके लैंड करवा देगी। मतलब आप वन टाइम में 4.25 घंटे के अंदर कराची से जद्दा या मदीना पहुँच जाएंगे। जबकि कनेक्टिंग एयरलाइन या इनडायरेक्ट एयरलाइन क्या करेगी, सपोज़ करें कि आप कराची से जद्दा जाना चाह रहे हैं और आपने एक ऐसी एयरलाइन चूज़ की है जो कि कनेक्टिंग या इनडायरेक्ट एयरलाइन है, करना क्या होगा, हम कराची से उड़ेंगे और किसी भी एक शहर में जाकर वो लैंड हो जाएगी। उस शहर में हमारे पास 2 या 3 घंटे का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। हम जहाज़ से उतरेंगे, वेटिंग एरिया में वेट करेंगे और फिर जब अनाउंस होगा तो हम दोबारा जहाज़ में बैठेंगे और जद्दा पहुंच जाएंगे। इसकी मिसाल मैं आपको फ्लाई दुबई से देता हूं। फ्लाई दुबई कराची से जब जद्दा लेकर जाती है तो डायरेक्ट नहीं लेकर जाती है, बल्कि कनेक्टिंग कनेक्शन के थ्रू लेकर जाती है। मतलब कराची से सबसे पहले फ्लाई दुबई फ्लाई करेगी और डायरेक्ट जाके लैंड करेगी दुबई में। दुबई में 2 घंटे 3 घंटे जैसा भी टाइम है, उतने घंटे तक आपको वेटिंग एरिया में वेट करना होगा और फिर दोबारा एयरलाइन में सवार होना होगा और वो आपको लेकर चली जाएगी जद्दा। इसी तरह वापसी में भी होगा। अगर डायरेक्ट एयरलाइन है तो वो डायरेक्ट जद्दा से आपको पिक करेगी और डायरेक्ट फ्लाई करके 4.25 घंटे के बाद ला के कराची में ड्रॉप कर देगी, जिस तरह आप गए थे। लेकिन जो इनडायरेक्ट एयरलाइन है या कनेक्टिंग एयरलाइन है, वो बिल्कुल ऐसा ही करेगी जैसा कि आपने जाते हुए किया था। सबसे पहले वो आपको जद्दा से पिक करेगी और ले जाके दुबई में 2-4 घंटे के लिए, फ्लाई दुबई अगर है तो वो आपको छोड़ देगी और फिर आप दुबई में 2-4 घंटे वेटिंग एरिया में वेट करने के बाद वापस आप अपने शहर कराची में आ जाएंगे। अगर यूं कर देखा जाए तो हमें डायरेक्ट एयरलाइन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि हमें जाते वक्त 3 घंटे का, आते वक्त 3 घंटे का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बार बार फ्लाइट में चढ़ने का उतरने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। थकावट से बहुत सारी हम लोग बच जाएंगे। कभी स्टे 3 घंटे का दुबई में है तो अगर कोई सलाम एयर है तो वो ओमान में, मस्कत में आपको स्टे करना पड़ेगा। अगर कतर एयरवेज़ है तो आपको दोहा में स्टे करना पड़ेगा। तो इन सारी झंझटों से इंसान बच जाता है डायरेक्ट एयरलाइन में और डायरेक्टली अपने मुल्क से फ्लाई करके पहुंच जाता है अपनी डेस्टिनेशन पर। लेकिन एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट एयरलाइन, इनडायरेक्ट एयरलाइन हमेशा चीप होती है। मतलब अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट है, आप अपने कुछ पैसे बचाना चाहते हैं, तो थोड़ी सी मुशक्क़त तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी और आप इनडायरेक्ट एयरलाइन के ज़रिए अपनी डेस्टिनेशन, यानी कि कराची, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर से डायरेक्टली पहुंच जाते हैं जद्दा या फिर मदीना। लेकिन अगर आपको थोड़े से पैसे बचाने हैं तो आपको या तो मस्कत में या दोहा में या फिर दुबई में या फिर आपको अबू धाबी के अंदर कुछ घंटों का जाते वक्त और आते वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा। पर्सनल मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जहाँ हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं वहाँ पे थोड़े पैसे खर्च करके अगर हम डायरेक्ट एयरलाइन ले लेते हैं तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा हमें मिलने वाला है। अदरवाइज तो फिर हमें जहाज़ में चढ़ना और उतरने में हमारा काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी टाइम हमें बैठ के इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, उसमें लेट और फिर कई घंटों का हॉल्ट मज़ीद बढ़ जाता है अगर किसी भी ऑपरेशनल कॉस्ट के थ्रू जो फ़्लाइट है वो आपकी डिले हो जाती है। जबकि डायरेक्ट एयरलाइन में एक ही मरतबा उड़ गई तो डायरेक्टली आपको डेस्टिनेशन पे ही इंशाल्लाह ताला उतारेगी। बैर कैब, उम्मीद है आपको ये फ़र्क भी मालूम हो गया होगा और आप चाहेंगे कि आप डायरेक्ट या कनेक्टिंग में से कौन सी लें, या आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। दोनों की सहूलियात मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अगर आपको आखिर में ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी रेलेवेंट क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहें तो कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हमारी टीम लाजमी तौर पर आपको रिस्पॉन्ड करेगी। और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।